हेलो गाइस, हाय, हाउ आर यू ऑल? गुड, जय हिंद टू एवरीवन। सो अगेन गिविंग यू आउट 30 सेकेंड्स ओनली टू इनवाइट योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन प्रोसीड। वी हैड अ गुड वीकेंड, वी हैड गुड टेस्ट यस्टरडे। गिव मी द टेक्निकल क्लियरेंस फर्स्ट, ताकि वो चीजें हमें टेक्निकल ग्लिचेस हमें हैम्पर ना करें। इट इज डे 10। कल आपका जो टेस्ट था दैट वॉज काउंटेड इन डे 9। ओके, सो बैक टू स्टडीज अगेन, शुरू करें। सो हम स्टार्ट करेंगे वापस से अपने रिडल से, ठीक है, ताकि हमारी बहुत सारे अपडेट्स हो जाए। जो एक दो करंट अफेयर्स रहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वो भी हमारे कवर अप हो जाए। ओके, सो रिडल के साथ स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, टाइम इज अप टू इनवाइट योर फ्रेंड्स। अब जो है, जितने हैं, उससे हम शुरुआत करते हैं। सो द फर्स्ट रिडल इज, आई वॉज विद रफेल फर्स्ट, ठीक है, पहले मैं रफेल के साथ था, अब मैं तेजस के साथ भी हूँ, हु एम आई? आज के थोड़े से रिडल थोड़े कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं, बट ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छे से करना। स्टार्टिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी तो यू विल बी एबल टू परसीव थिंग्स बेटर, है ना? सो रफेल के साथ एंड नाउ तेजस के साथ, व्हाट इज इट? सी, दिस वाज इन करंट अफेयर्स वेरी वेरी रिसेंटली कि एक मिसाइल है, दैट इज हैमर, ठीक है। हैमर, एज यू ऑल नो, पहले रफेल के साथ इंटीग्रेट इसको किया गया था, बट अभी रिसेंटली टेस्ट फायर्स में इसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है। हैमर इज द मिसाइल जिसको अब तेजस के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है, तो तेजस का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और हैमर तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है ही। रफेल से रिलेटेड हैमर का क्वेश्चन एफकैट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, है ना? गुड, ओके, नाइस। सेकेंड सेकेंड रिडल, आई एम फ्रॉम यूक्रेन, दैट मीन्स आई एम यूक्रेनियन, ओके, बट आई हेट शिप्स, आई हेट शिप्स, आई किल देम वेर एवर आई सी इट। अगेन द रिडल इज फ्रॉम करंट अफेयर्स, वॉट इज इट? दिस इज फ्रॉम यूक्रेन एंड समवन विच हेट्स शिप, वॉट इज इट? ये यूक्रेनियन मिसाइल है, ठीक है। आई नो आज के रिडल्स थोड़े से ज्यादा टिपिकल होने वाले हैं, ताकि दिन पर दिन हमारा लेवल बढ़ना ही चाहिए। ऑफ कोर्स, दिस इज अ मिसाइल, दिस इज एंटी शिप मिसाइल, जिसका नाम क्या है? नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून। ये एक यूक्रेन की मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल है। अभी अभी ये न्यूज में बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, दैट वाज द रीजन ये न्यूज में थी, ठीक है। तो आपका सीरियस में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि रिसेंटली नेपच्यून वाज इन न्यूज, व्हाट इज नेपच्यून, ऐसे करके, या तो कौन सी कंट्री ने इसे टेस्ट फायर किया है, ये क्वेश्चन हो सकता है। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ योर सीरियस एग्जाम, करेक्ट? ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। आई हेल्प यू टू सी फार, ओके, जिनको दिक्कत होती है। ओके, दिस इज अ डिसीज, लेट मी गिव यू सम हिंट, दिस इज अ डिसीज, और ऐसा ऑब्जेक्ट इस रिडल का आंसर है जो हमें दूर का देखने में हेल्प करती है ना? व्हाट इज इट? इसमें तो आई गेस आपको सही आंसर आना ही चाहिए। एक डिसीज याद है, साइंस में बहुत पढ़ा करते थे, मायोपिया, ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। बहुत कंफ्यूजन कंफ्यूजन होती है ना इसमें, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में एग्जैक्टली क्या होता है, पूरी कंडीशन को जान लो। ये हमारी अगर आंख है, आंख में क्या होता है, लाइट पड़ती है, हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, वो कहाँ पे पड़ता है? रेटिना पे, है ना? रेटिना पे उसकी इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज, जो ब्रेन तक जाती है उसको वो रिवर्स डायरेक्शन में कर देती है, इसलिए जो हमें इमेज है इरेक्ट फेस में दिखाई देती है। बट व्हाट हैपेंस इन मायोपिया कि
आयरिस के एलोंगेशन की वजह से इमेज जो होती है वो रेटिना से आगे गिर जाती है, रेटिना पे एग्जैक्टली नहीं पहुंचती, इसलिए कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस हमें यहाँ पे हेल्प करता है ताकि उस इमेज को खींचकर पीछे लेके जाया पीछे लेकर जाया जाए और वो एग्जैक्टली रेटिना पे पड़े, तो वो नॉर्मल कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे और हमें दूर की चीजें भी दिखाई दे, है ना, हमें दूर की चीजें भी यहाँ पे दिखाई दे. तो आई हेल्प यू टू सी फार, दिस इज वॉट कॉनकेव लेंस, ओके, दिस इज कॉनकेव लेंस, क्लियर. या इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना, दिस इज नियर साइटेड डिस्क एंड दिस इज द कॉनकेव लेंस, क्लियर, ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. और इसी चीज को आज हम पॉलिटी में पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है, आज का जो पॉलिटी वाला सेक्शन होने वाला है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, उसका ये वन ऑफ द पार्ट्स है, ठीक है, ओके. नो वन लिसन्स टू मी, आई डू नॉट हैव मच पावर, व्हेन शी सेज नो इट इज नो, मतलब वो मना कर दे तो वो नहीं होता, इसमें मेरी राय का कोई इतना तवज्जो नहीं है, बट व्हेन आई से नो आई हैव नो वैल्यूज, ठीक है. तो दिस इज द क्रक्स ऑफ आवर पॉलिटी का सेशन, एक बार आप गेस कर सकते हो कुछ सेकेंड्स के अंदर अगर आप कर पा रहे हो तो, अदरवाइज आई विल टेल यू द आंसर. राज्यसभा भी हो सकता है, बट राज्यसभा के पास फिर भी कुछ अपने पावर्स है, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज का जो सोल पावर होता है, स्टेट के राइट्स के प्रोटेक्शन का जो राइट्स होते हैं वो सारे राज्यसभा के पास होते हैं, बट हियर आंसर विल बी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज इक्विवेलेंट टू राज्यसभा, अपर हाउस है, ये सारा जो मैटर है वो हम आज के पॉलिटी के सेशन में देखेंगे. एंड आज के सेशन में आपका कंप्लीट यूनियन और जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है उसका ऊपर ऊपर से बहुत समझ में आ जाएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है. तो दिस इज लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसके पास बहुत कम राइट्स होते हैं, पूरे लेजिस्लेटिव पावर्स किसके पास होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, ओके, क्लियर. सो आज के करंट अफेयर्स से शुरुआत करते हैं, आई एम फुली अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, डोंट वरी, जो आपके वीकेंड्स में एक दो करंट अफेयर्स मिस हुए हैं I have included them all. क्योंकि हम रोज रोज पढ़ रहे हैं तो इतने करंट अफेयर्स नहीं होते ही. तो आपके जो छोटे छोटे लिटिल लिटिल स्टेप्स लिटिल लिटिल एफर्ट्स है ना दैट विल काउंट, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतना सारा कब पढ़ लिया, ठीक है, आप मंथली देखते हो इसलिए आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट होती है, ओके, शुरू करें. अब सब कुछ एक साइड रख दो, यू शुड बी हैविंग अनडिस्ट्रैक्टेड माइंड, अनडिस्ट्रैक्टेड माइंड, और इस पे ध्यान रखना. और कल के जो टेस्ट थी ना आपके उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा उसको प्लीज रेफर कर लेना, उसे गो थ्रू कर लेना, ओके. फर्स्ट क्वेश्चन, विटली गोल्ड अवार्ड अभी अभी रिलीज किया गया है, अगेन अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन का ये क्वेश्चन है, और अवार्ड्स एंड ऑनर्स से 2 से 3 क्वेश्चन आप सीडीएस में एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उस कैटेगरी को अपने नोट्स में आप अलग मेंटेन कर सकते हो ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधा अवार्ड्स एंड ऑनर्स की कैटेगरी का पेज खोलो एंड जस्ट रेफर टू इट. विटली गोल्ड अवार्ड किसको मिला है, चारुदत्त मिश्रा को, ठीक है, चारुदत्त मिश्रा किस चीज के लिए मिला है, स्नो लेपर्ड के लिए, ठीक है, स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए इनको विटली गोल्ड अवार्ड मिला है, ओके. सी दिस वॉज जस्ट टू मेमोराइज यू, ठीक है, आपको याद रखने के लिए आई हैव इनकल्केटेड द रिडल्स इन आवर सेशन, ओके. ऐसे आंसर्स एम्बिग्यूस बहुत हो सकते हैं, बट अगर हम किसी ट्रिक से कोई फन वे में उसको याद करना चाहें तो हमें अच्छे से याद रह सकती हैं वो चीजें, ठीक है, ओके. फिर दीपिका पादुकोण रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को एज अ ज्यूरी मेंबर कहां पे, केन्स फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि केन्स फिल्म फेस्टिवल में इंडिया की तरफ से ज्यूरी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो दीपिका पादुकोण, ठीक है. सिनेमा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक क्वेश्चन लगभग पूछा जा सकता है, या तो इस तरीके से पूछ लेंगे या तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड पूछ लिया जाएगा, ओके, ओके. नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू
न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। अभी आपको पता है जनरल मनोज मुकुंद नरावने रिटायर हुए, उसके बाद न्यू जनरल ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट किया गया है, तो वाइस चीफ को भी रिप्लेस किया जाएगा। तो वाइस चीफ अब हमारे कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। ये सारी न्यूज है ना एसएसबी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिनकी अभी एसएसबी होगी उनको मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा टू सी योर अपडेट रिगार्डिंग द डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, क्लियर। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू विल बी द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ओके, अब ये ओलंपिक्स तो हमने सुना था, व्हाट इज दिस डेफलिंपिक्स। डेफलिंपिक्स 2021 ऑर्गेनाइज हुआ था, वेन्यू पूछा जाता है, वो जो इवेंट स्पोर्ट्स इवेंट का लोकेशन होता है वो पूछा जाता है। ब्राजील विल बी होस्टिंग, साउथ अमेरिकन कंट्री है, ब्राजील विल बी होस्टिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट डेफलिंपिक्स। ये ओलंपिक्स है किनके लिए, डेफ एथलीट्स के लिए। ठीक है, डेफ एथलीट्स के लिए बेसिकली ये है। ओके, पैरालंपिक्स भी है और ये डेफलिंपिक्स एक अलग स्पोर्ट इवेंट बना दिया गया है। ओके गुड, चलो नाइस। नेक्स्ट अपडेट, कुरिल आइलैंड्स। देखो आइलैंड्स है ना आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में, क्यों, क्योंकि हम प्रोसीड कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर थ्री की तरफ, है ना। तो बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह जो होते हैं उसमें डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और वो डिस्प्यूट्स की वजह से वो बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहे हैं, और न्यूज में होने की वजह से हमें उनके लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने बहुत सारे आइलैंड्स कवर किए। आप ये भी कर सकते हो कि आप इंडिविजुअल है ना कुछ पेजेस छोड़ सकते हो फॉर योर नोट मेकिंग, ताकि आपको ज्यादा ईज हो। आइलैंड का एक अलग पेज, अलग सेक्शन बना सकते हो। अवार्ड्स एंड ऑनर, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सबके आप अलग अलग पेज मेंटेन कर सकते हो। तो ये जो कुरिल आइलैंड है ये बेसिकली सी ऑफ ओकोजोर्ट्स को सेपरेट करता है नॉर्थ पैसिफिक ओशीन से। आपको समझ आ गया ये कहाँ पे लोकेटेड है, रशिया और जापान इस पर्टिकुलर आइलैंड के लिए झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, झगड़ा कर रहे हैं कि ये पोर्शन मेरा है, ये पोर्शन मेरा है। तो उसके लिए कुरिल आइलैंड्स वाज इन न्यूज। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी दो ओशियन बॉडीज को ये सेपरेट कर रही है, सी ऑफ ओकोजोर्ट और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। क्लियर, नाइस, ओके। कुरिल आइलैंड्स। अब साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, अरिजोमा इंडिका, दिस वॉज इन न्यूज। ये कौन सी नई स्पीशीज है, वेस्ट बंगाल में और केरला में ये स्पीशीज पाई गई है। ये एक ईल की स्पीशीज है, ठीक है, ईल की स्पीशीज। नाम क्या है इसका, साइंटिफिक नेम है अरिजोमा इंडिका। क्लियर, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है आपका। ये ज्यादातर ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन जब कोई न्यू स्पीशीज डिस्कवर हुई होती है। ओके ऑलराइट, तो इसमें सब क्लियर। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप किया है हमने, वाइस चीफ को डिस्कस किया, डेफलिंपिक्स को डिस्कस किया, कुरिलिंपिक्स, दीपिका पादुकोण एंड न्यू स्पीशीज ऑफ ईल। ओके, अब डिफेंस सेक्टर में देखो, आई हैव टू चेंज द पेन अगेन। ओके, डिफेंस सेक्टर में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है रिटन एग्जाम्स में और एसएसबी पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन पीस टाइम, इन वॉर टाइम, है ना। सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था अबाउट शौर्य चक्र, थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन पीस टाइम। ठीक है, अब देखो आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये पीस टाइम और वॉर टाइम क्या है, तो देर इज अ डिफरेंट सेक्शन। ठीक है, एक होता है वॉर टाइम, ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स है। ठीक है, क्या बोला जाता है, गैलेंट्री अवार्ड बोला जाता है। जो ऊपर के तीन है दे आर वॉर टाइम और नीचे के तीन है दे आर पीस टाइम। ठीक है, ये पीस टाइम है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, दिस इज पीवीसी, परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र। फिर सेकेंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र, और थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल हमारा कौन सा हो जाएगा, वीर चक्र। ठीक है, अब पीस टाइम मतलब वॉर वाली सिचुएशन नहीं है, उस केस में हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड क्या होगा, तो दिस इज पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र, फॉलोड बाय कीर्ति चक्र एंड दैट थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल ड्यूरिंग पीस टाइम, दिस इज व्हाट, शौर्य चक्र। क्लियर, क्लियर है ना इतनी चीज। तो यहां से
ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, जब क्वेश्चन आए आराम से पढ़ना है कि वॉर टाइम पूछा है या पीस टाइम पूछा है आपको। ओके ओके नाइस। नेक्स्ट, ये अपडेट्स आई नीड नॉट टू रिपीट इट अगेन, यू बेटर नो। 9 मई से आपका एफकैट का सेकेंड बैच शुरू हो रहा है ऑन जूम, 15 मई से आपका सीएपीएफ शुरू हो रहा है, 29 मई से आपका सीडीएस का जूम सेशन शुरू हो रहा है। तो यू कैन सी द रिस्पेक्टिव डिटेल्स ऑन द डिफेंस मेनिया ऐप। ठीक है, सो ओके नाउ माई लैंग्वेज इज अपडेटिंग, जस्ट अ मिनट, वापस पेन कलर चेंज, माई लैंग्वेज इज अपडेटिंग। ठीक है, आप रिवाइज कर रहे हो ना, अगर हम चार चार वर्ड्स रोज पढ़ रहे हैं, यू नीड टू रिवाइज इट। आपको अपनी लैंग्वेज में इन वर्ड्स को ऐड करना है कि नाउ दिस इज पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज। एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले अगर आप 100, 200, 1000 वर्ड पढ़ रहे हो, रट रहे हो, दैट विल नॉट गोना हेल्प यू इन योर एग्जाम। इंग्लिश की प्रेपरेशन ऐसे ही हो सकती है। देखो, इंग्लिश की प्रेपरेशन में 3 लेग्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर रूल्स। और इसमें से सिर्फ ग्रामर रूल्स ऐसा है जो आप लास्ट एंड पे उसकी तैयारी करोगे तो एग्जाम में काम आएगा। अदरवाइज जो कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें PQRS के भी क्वेश्चन आते हैं, पैसेज भी आते हैं, और दिस वोकैबुलरी सेक्शन जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और idiom phrases आते हैं, ये आपको पहले से ही थोड़ी थोड़ी शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी आपको इंग्लिश के पेपर में हेल्प मिलने वाली है। अदरवाइज यू हैव टू लीव ऑल दोज क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, फर्स्ट वर्ड सेंटेंसेस बनाने के लिए यहाँ पे तैयार रहना। ठीक है, सेंटेंसेस क्विकली आने चाहिए। पहला है बिसीच, और जितने भी एफकैट वाले बच्चे हैं उनको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है स्पेलिंग्स का भी। स्पेल टेस्ट भी पूछा जाता है एफकैट में, तो आप स्पेलिंग को भी ध्यान में रख के चलो। बिसीच, बिसीच्ड का मतलब क्या होता है? आस्क, आस्क फॉर समथिंग, प्लीड फॉर समथिंग, है ना। यहाँ पे मेरे रिस्पेक्टिव क्लिप आर्ट्स लगा रखे हैं ताकि आप पीडीएफ में, अच्छा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है, राइट आफ्टर द सेशन। ओके, आपको आज वैट वर्ड नहीं मिला ना, और किसी ने बोला भी नहीं, किसी ने याद भी नहीं दिलाया कि मैम आज का वैट वर्ड नहीं मिला है। दिस इज वेरी सैड ऑन योर पार्ट, या किसी को याद नहीं रहा। चलो, आज का आपका वैट वर्ड होगा सैड। ठीक है, सैड, इस पे जो आपके दिमाग में सबसे फर्स्ट टाइम आता है, जब लेक्चर खत्म हो जाता है तब कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि उस वो रह सके, क्योंकि लाइव चैट खत्म हो जाती है व्हेन दिस लाइव सेशन इज ओवर। ओके, आई प्लीड यू, हाउ मच इज द कोर्स फी। प्लीड को यूज नहीं करना, बिसीच को यूज करोगे। ठीक है, वो सारा आप ऐप पे चेकआउट कर लेना, आपको ज्यादा बेटर तरीके से पता चल जाएगा। ओके ओके ऑल राइट, सेकेंड वर्ड, सेकेंड वर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? जो इंसान बहुत ज्यादा जनरस होता है या मैग्नानिमस होता है। स्पेशली इस वर्ड को हम कब यूज करते हैं? जब कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी होती है और उनसे हम हेल्प एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कि ये तो बहुत बड़ा इंसान है, ये कैसे हमें हेल्प आउट कर देगा, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं बेनेवोलेंट। जैसे मैंने यहाँ पे कोई किंग का क्लिप आर्ट लगा रखा है, वो एक किसी लेमेन लेमेन लोग, जो लेमेन इंसान है उसकी हेल्प आउट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? बेनेवोलेंट हो गया। ओके, आई बिसीच यू फॉर द एफकैट। देखो, व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स, व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एंड सम पार्ट ऑफ जीके, ये सारा आपका एफकैट में भी तो आता है ना। सिलेबस बहुत ज्यादा कॉमन भी है तो आप उसको भी रिलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है सीडीएस में है तो सीडीएस में भी आएगा। दिस विल कम इन सीएपीएफ ऑल्सो, दिस विल कम इन एफकैट ऑल्सो। शिवानी मैम इज बेनेवोलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपको समझ आ गया ना बेनेवोलेंट क्या होता है? बहुत जनरस होता है, और मैग्नानिमस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आप ध्यान में रखोगे। ओके, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज अ बेनेवोलेंट पर्सन, इसको भी हम बोल सकते हैं। रतन टाटा इज अनदर बिग एग्जांपल। ठीक है, समझ आ गया, थर्ड वर्ड पे चलते हैं। इलॉन मस्क भी बेनेवोलेंट है, नाइस। रेकोनोइटर, रेकोनोइटर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए क्यूरियस होना, उसके लिए इंक्वायर करना, उसको एक्सप्लोर करना, उसको एग्जामिन करना, मतलब एक बहुत बेसिक भाषा में बोले तो अंदर से चुल होना, उसे रिकोनोइटर बोलते हैं। ठीक है, रिकोनोइटर बोलते हैं। जैसे डिफेंस एस्पायरेंट्स जो भी होते हैं वो
रिकॉनोइटर होते हैं, उनको एक एंक्वायरी, हमेशा ये चीज कैसे होती है कैसे नहीं होती, एक एंक्वायरी वाली उनकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है ना। शिवानी मैम रिकॉनोइटर अस, ओके, समझने की कोशिश कर रही हूं मैं कि मेरी तारीफ हो रही है या बुराई हो रही है। ठीक है, समझ आ गया। रिकॉइंटर, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इग्नोर्ड, इग्नोरिंग पर्सन, जिसका इग्नोरेंट बिहेवियर होता है, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। ओके ओके नाइस। अब एक फ्रेज है, या तो आप इसे इडियम भी बोल सकते हो, एल्बो रूम। एल्बो रूम इसका मतलब क्या होता है? टू गिव फ्रीडम, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा स्पेशियस होना, किसी को फ्रीडम देना। और देखो जब ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, आपको एग्जैक्ट वर्ड पे ध्यान नहीं देना, आपको कैसे वर्ड्स पे ध्यान देना है जो नियरली सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, नियरली सिमिलर वर्ड्स पे ध्यान देना है, एग्जैक्ट वर्ड्स आपको नहीं दिए जाएंगे एग्जाम में। तो एल्बो रूम समझ में आ गया, टू गिव फ्रीडम, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें एल्बो रूम दिया है, दिस कुड बी द गुड एग्जाम्पल आई गेस, है ना। ओके ओके समझ आ गया। ठीक है, आज हमारे पास कपल वर्ड्स है। ठीक है, कपल वर्ड्स जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार भूल भी जाते हैं। मतलब कपल वर्ड से क्या मतलब है कि अगर ये वर्ड है, इसके साथ इसका कपल वर्ड आएगा, ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, एक हैप्पी कपल की तरह हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, दीज आर कपल वर्ड, ये कोई ऐसा टर्म नहीं, इंग्लिश का टर्म नहीं है, आई हैव गिवन दिस टर्म कपल वर्ड्स। ठीक है, खुद याद रखने के लिए, तो आप भी अब इसे कपल वर्ड्स याद कर सकते हो। ठीक है, एक्साइटेड फॉर इट? ओके नाइस। सबसे पहला हमारा यहाँ पे कपल है, सबसे पहले हमारा पेर है, जहां पे एल्स यूज होता है उसके साथ यूज हो जाता है हमारा बट। ठीक है, एल्स के साथ क्या यूज होता है? बट। जैसे यहाँ पे देखो, इट इज नथिंग एल्स देन शीर फुलिशनेस। नो, बट कहाँ आया? कपल वर्ड से जहां जाएंगे दोनों साथ ही जाएंगे, तो सही सेंटेंस क्या होगा? इट इज नथिंग एल्स बट शीयर फुलिशनेस। तो आपका स्पॉटिंग एरर का अगर क्वेश्चन आता है, आपको ये भी सही लग सकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट कपल वर्ड्स में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि वो लिटरल मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, और इससे भी लिटरल मीनिंग निकलता है, बट दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ओके, दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। एल्स के साथ बट लगता है, और देन किसके साथ रखता है? रादर, अदर और अदरवाइज। इन तीनों वर्ड्स के साथ हम क्या लगाएंगे? THAN वाला देन। ठीक है, वो हम नहीं कहते रादर देन अदरवाइज, उसके साथ हम देन लगाते हैं, एल्स के साथ हम बट लगाते हैं। क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर कपल? ये दो कपल यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गए हमारे। आप इस पे भी सेंटेंस बना सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, बट आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी से, खुद के इनोवेशन से अगर सेंटेंस बनाते हो तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। ठीक है, अच्छा, आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर मेकिंग नोट्स एंड सेंडिंग इट टू टेलीग्राम। ठीक है, मैं उसको रोज देखती हूँ, एंड आई प्रॉमिस आज आई विल रिवर्ट टू ईच वन ऑफ यू हु आर मेकिंग नोट्स। ठीक है, स्पेशल अप्रिसिएशन, आई नो दिस इज रिक्वायर्ड, इवन आई नीड इट, सो आई नो यू ऑल्सो रिक्वायर दैट। ओके, सेकेंड कपल पेयर, थर्ड कपल पेयर पे यहाँ पे हम चलते हैं। सो के साथ क्या लगता है? दैट। सो के साथ लगता है दैट। जैसे एग्जाम्पल देखो, टेल मी योर प्रॉब्लम सो दैट आई कैन हेल्प यू। ठीक है, सो के साथ क्या लगता है? दैट लगता है, जहां जहां सो जाएगा वहां वहां दैट जाएगा। क्लियर? चलो, टू के साथ टू लगता है, ये तो बहुत आसान है, जहां पे टू वाला डबल ओ वाला टू है वहां सिंगल ओ वाला टू आएगा। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, या तो दिस इंफॉर्मेशन इज टू गुड टू बी ट्रू। देखो, टू यूज हुआ, टू भी यूज हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा एरर होती है, लोग क्या कर देते हैं, दिस इंफॉर्मेशन इज टू गुड दैट टू बी ट्रू, तो ये गलत हो जाएगा। डबल ओ वाले टू के साथ सिंगल ओ वाला टू आएगा। ठीक है, सेंटेंसेस बनाओ भाई, छोटे बड़े कैसे भी हो, बट सेंटेंसेस आने चाहिए, हस्बैंड वाइफ वर्ड्स हैं। ठीक है, इनका हिंदी में आपको कैसे बताऊं? लाइक
एल्स बट इसको मैं हिंदी में कैसे आपको बताऊंगी, देखो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग, रीड एनीथिंग, चाहे कोई भी सेल्फ हेल्प बुक हो या कोई भी आपकी इंटरेस्ट की चीज हो, जरूरी नहीं है सिर्फ न्यूज़पेपर रीड करो, आप स्टोरीज भी रीड कर सकते हो, कुछ वो होता है ना चुगली वाला, वो जो एंटरटेनमेंट वाला पेज होता है, आप उसे भी रीड आउट कर सकते हो, बशर्ते वो इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस है तो ग्रेजुअली आप इंग्लिश को समझने लग जाओगे, ओके ठीक है। सो दैट टू टू समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट कपल्स हमारे यहाँ पे क्या है, ईदर और नीदर नॉर, ये तो बहुत बेसिक है, आपको पता ही है, जैसे एग्जाम्पल ही नीदर प्लेस नॉर रीड्स, नीदर के साथ कभी और नहीं आता और इधर के साथ कभी नॉर नहीं आता, ठीक है। इधर के साथ क्या आएगा, और आएगा, नीदर के साथ नॉर आ जाएगा, क्लियर, ओके। आपको जो सो एस जो भी बोल रहे हो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी, एनफ कहाँ यूज होता है, दैट कहाँ यूज होता है, एस कहाँ यूज होता है, एनफ कहाँ यूज होता है, ठीक है। वो कल सेट ऑफ रूल्स मैंने कल के लिए रखे हुए हैं, तो डोंट वरी फॉर दैट। कॉमिक्स पढ़ सकते हो, या बिल्कुल आप कॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, एनीथिंग अदर देन स्टडीज, और इन स्टडीज यू कैन गो फॉर द इंग्लिश रीडिंग, जिसमें आपका इंटरेस्ट आए और आपको समझ आए चीजें, ठीक है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सी द इंटरव्यू ऑफ योर फेवरेट पर्सनैलिटीज, चाहे वो बॉलीवुड की एक्टर, बॉलीवुड की एक्ट्रेस हो, एक्टर्स हो, या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी कॉमेडियन हो, बशर्ते इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है, ओके। नॉट ओनली के साथ लगता है बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जैसे शी कम्स नॉट ओनली फॉर वर्किंग बट ऑल्सो फॉर स्टडी, शी कम्स नॉट ओनली फॉर वर्किंग बट ऑल्सो फॉर स्टडी, ओनली के साथ ऑल्सो लगता है, नॉट के साथ बट लगता है, ठीक है। आप इसको कॉमेंट पे अपने खुद के सेंटेंसेस बना के लिखोगे, या तो आपको कहीं और सेंटेंस दिखा है उसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। वैट वर्ड याद है ना, सैड, एस ए डी, सैड है आज का। फिर बिटवीन के साथ एंड लगता है, जैसे टाइम में बहुत लोग ये करते हैं, मीटिंग इज बिटवीन 7 AM और 2-9 PM, ऐसा जनरल इंग्लिश में लोग बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत है। बिटवीन लगता है तो उसके साथ कपल वर्ड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सही स्टेटमेंट क्या होगा, एरर कहाँ पे है, इस पार्ट में एरर है, मीटिंग इज बिटवीन 7 AM एंड 9 AM, ठीक है, नाइस, ओके। फिर बोथ के साथ एंड लगता है, यू नो दिस फैक्ट, बोथ के साथ तो एंड ही लगेगा, फ्रॉम के साथ टू, ऑल के साथ दैट, ओके, ऑल इज वेल, दैट एंड्स वेल, ऑल भी यूज हुआ है, दैट भी यूज हुआ है, तो दे आर वेरी कमिटेड कपल्स जो हमेशा साथ में रहते हैं। एक दूसरों को अलग किया तो वहां पे एक स्पॉटिंग एरर हो जाएगा, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट एरर एंड पुट द टिक मार्क ऑन इट कि यहाँ पे गलती है, ओके, ही इज नॉट फूल बट ऑल्सो डम, बट डम ऑल्सो नहीं, बट ऑल्सो डम, ठीक है। He is not only good at study but also in sports. Yes, this is also good statement. अच्छा statement बना रहे हो आप, जितने statements खुद से दिमाग से सोचोगे ना उतने आपके exam में आपको याद आते रहेंगे। He ain't only a writer but also singer. Very good. Concept समझ में आ गया, couple words समझ में आ गए, है ना? Add fun or humor to your studies so that they don't bore you. Okay? And the फाइनल पार्ट कम्स हियर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं, तो यू शुड नो दिस दिस थिंग। हमने पार्लियामेंट पढ़ा था, पार्लियामेंट के 3 लेग्स होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा, इसलिए वो बाइकैमरल होता है। जो यूनियन पार्लियामेंट होती है दे आर बाइकैमरल इन नेचर, क्योंकि उसके 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब आते हैं स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी अपर हाउस होता है और लोअर हाउस होता है। अपर हाउस को हम क्या बोलते हैं, बहुत आराम से सुनना, यहाँ पे लोगों को बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज होती है, बट जो बेसिक वाला पोर्शन होता है उसमें थोड़ी नॉलेज लैक कर जाती है, ठीक है, तो उसको क्लियर आउट करना, क्योंकि उसके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अपर हाउस इज नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोअर हाउस इज नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका हम एक्रोनिम करके यूज करेंगे, LC और LA, ठीक है, LC और LA।
दिस इज इक्विवेलेंट टू राज्यसभा. यूनियन में अपर हाउस कौन सा था? राज्यसभा. स्टेट में कौन सा हो जाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल. एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू लोकसभा, मतलब जो यूनियन पार्लियामेंट में लोअर हाउस थी उसको क्या बोलते थे? लोकसभा बोलते थे. काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा बोलते हैं. और यहाँ पे लोअर हाउस क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम LA कहेंगे. बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि हर स्टेट के पास दो हाउसेस नहीं है. ऐसे सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जिनके पास लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों ही हैं. देखो, हर एक स्टेट के पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट देर आर ओनली 6 स्टेट्स हु हैव बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो हम क्या कह सकते हैं, कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पे बाइकैमरल हो जाएंगे? कौन कौन से स्टेट्स हमारे बाइकैमरल हो जाएंगे? जिनके पास लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों है, दे आर बाइकैमरल स्टेट्स. तो आपको सीरियस में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बाइकैमरल लेजिस्लेशन, उसमें आपको ऑप्शंस में इन 6 स्टेट्स का जिक्र दिखाई देगा. बाकी सारे स्टेट्स कैसे हैं? बाकी सारे स्टेट्स के पास एक ही हाउस है तो हम क्या बोल देंगे? ये यूनिकैमरल है. कैसे है? यूनिकैमरल. ठीक है, क्लियर? इतनी चीज क्लियर है ना? इंडिया इज नॉट ओनली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बट ऑल्सो हैव द मिलिट्री पावर. नाइस नाइस, अपनी GK और इंग्लिश दोनों एक साथ आप इंप्रूव कर रहे हो. ओके, अब ये 6 स्टेट्स कौन से हैं जो बाइकैमरल है, जिनके पास अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों है? देर आर 6 स्टेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. ये 6 स्टेट्स हैं. पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास भी अपर हाउस हुआ करता था, बट जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो दोनों ही उनके जो हाउसेस थे वो डिसॉल्व हो गए, वो एक यूनियन टेरिटरी बन गया, तो वो डायरेक्ट यूनियन के कंट्रोल में आ गया, है ना? तो अब ये 6 स्टेट्स बचे हैं जिसके पास, ये सब याद रखना, ठीक है, ये सब याद रखना, कौन कौन से स्टेट्स हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. याद रहेंगे, पड़ोसी पड़ोसी है. यूपी के पास बिहार, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जो तो पहले एक ही माँ के दो बच्चे हैं, है ना? 2014 में तेलंगाना काव आउट हो चुका था. ओके, अब डिटेल में जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कंपेयर करके करेंगे यूनियन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ताकि हमें अच्छे से चीजें समझ में आए. यूनियन पार्लियामेंट हमने कहा बाइकैमरल है, क्योंकि उसमें तो लोकसभा राज्यसभा अच्छे से कायदे से है, बट स्टेट लेजिस्लेचर में सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जो बाइकैमरल है, बाकी सारे कैसे हैं? यूनिकैमरल. यूनियन पार्लियामेंट आता है हमारे पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो है द यूनियन, जबकि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पार्ट 6 में आते हैं, दी स्टेट्स. ठीक है, दी स्टेट्स, हाँ, दो हाउसेस है इसलिए ये बाइकैमरल है. ओके, अब पार्लियामेंट में क्या होता है? कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है. अब ये बिल क्या होता है? जैसे मुझे सोचना है कि मुझे मेरे घर में लाइट लगानी है, तो पॉलिटी के लैंग्वेज में मैं क्या करूंगी? पॉलिटी के लैंग्वेज में, ओके, कुछ अच्छी चीज मैं बोल देती हूँ. जैसे मुझे कोई वीडियो गेम चाहिए, तो अब मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, तो मैं एक बिल जनरेट करूंगी कि मुझे वीडियो गेम चाहिए, इससे ये फायदा होगा, इससे ये नुकसान होगा. ऑब्वियसली जो मेरे फेवर में होगा वही चीजें मैं मेंशन करूंगी. तो मैं एक बिल जनरेट करूंगी कि मुझे ये वीडियो गेम चाहिए. वो बिल जाएगा आगे, पहले मम्मी के पास, है ना, मम्मी अप्रूव करेंगी उसको, फिर जाएगा वो बिल पापा के पास, वो उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करेंगे, है ना? तो ऐसे आगे आगे चीजें चलती हैं. अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे वीडियो गेम लेने से, तो उस बिल को पास कर दिया जाता है, बोला जाता है कि बिल पास हो चुका है, और वो बिल फिर एक्ट बन जाता है. उसको परमिशन मिल चुकी है कि अब चलो वीडियो गेम आ जाएगा, किसी ने इसमें बीच में टांग नहीं अड़ाई. ओके, अब ये लेमन लैंग्वेज में समझ में आ गया, थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्म में समझ लो ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो. अब बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ हाउस एंड इट पासेस इट टू द अदर हाउस. अगर लोकसभा में बिल जनरेट हुआ है तो वो राज्यसभा में पास होगा, अगर राज्यसभा में जनरेट हुआ है तो वो लोकसभा में पास होगा. अगर किसी को दिक्कत नहीं है
तो वो आगे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट अगर वो उन्हें एक्सेंट दे देंगे तो वो बिल कन्वर्ट हो जाएगा एक्ट में, जैसे पहले सीएबी था, क्या था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसको पास कर दिया गया तो वो सीएए हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया, वो सीएबी सीएए हो चुका। ओके, फिर सेकेंड हाउस क्या कर सकता है, अगर लोकसभा ने कोई बिल पास किया है वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा क्या क्या कर सकता है, उसको एज इट इज पास कर दिया जाता है कि ठीक है वीडियो गेम खरीदना है तो खरीद ले, इट इज पास्ड, या तो वो बिल को ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर सकते हैं, पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, इसलिए इसमें से एक भी आप इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट मत करना अपनी समझ से कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू। ठीक है, तो वीडियो गेम का बिल पास किया, मम्मी ने तुरंत ही मना कर दिया, ये बेफजूल का खर्चा है, पढ़ाई भी नहीं होगी, आंखें खराब हो जाएंगी, ऑल टुगेदर रिजेक्शन, नहीं ली जाएगी वीडियो गेम। ओके, और क्या हो सकता है, पास द बिल विथ सम मॉडिफिकेशन एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर रिकंसिडरेशन, मतलब वीडियो गेम लेनी है ठीक है, बट ये वाली वीडियो गेम मत लो, ये ज्यादा महंगी है, फालतू का खर्चा है, दूसरी वाली वीडियो गेम ले लो, और फिर वो प्रपोजल मेरे पास आएगा कि ये दूसरी वाली वीडियो गेम मेरे लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है? देन नथिंग इज डन टू द बिल फॉर 6 months, विच मीन्स बोथ हाउसेज आर इन डिसएग्रीमेंट, मतलब मैंने बोल दिया कि मुझे चाहिए वीडियो गेम बट उसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, हाँ ना, और ये 6 months जब भी टाइम पीरियड मेंशन होता है पॉलिटी में उसको बहुत अच्छे से याद करना होता है, क्योंकि पॉलिटी में अगर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए वहां पे यूपीएससी वाले गड़बड़ टाइम पीरियड के साथ ही करते हैं, इसके 6 के 8 महीने कर देंगे, 3 महीने कर देंगे, और हमें इतनी क्लैरिटी नहीं होती अबाउट द टाइम पीरियड, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लेवर व्हेन इट कम्स टू द टाइम पीरियड। अगर 6 महीने तक हाँ ना कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों हाउस डिसएग्रीमेंट में है, उस केस में क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग बिठाई जाती है दोनों हाउस की, क्यों लड़ रहे हो, क्या दिक्कत है, क्यों जवाब नहीं आ रहा, क्यों बात नहीं कर रहे, दोनों साथ में बैठो, ज्वाइंट सिटिंग होती है, ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल नंबर याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोनों एफकैट और सीडीएस में, आर्टिकल नंबर 108, ठीक है, आर्टिकल नंबर 108 इज अबाउट ज्वाइंट सिटिंग। ओके, ज्वाइंट सिटिंग बिठाई जाती है, प्रेसिडेंट भी उसमें होते हैं, और उस डेडलॉक को क्लियर करते हैं कि या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, ऐसे बीच में मत अटकाओ, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन सीडीएस का फेवरेट होता है। एक्सेप्शन क्या है, व्हेन इट कम्स टू मनी बिल, मनी बिल का भी आर्टिकल नंबर याद रखोगे, आर्टिकल नंबर 110, ये पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई तो स्टेट लेजिस्लेचर की चुटकियों में समझ में आ जाएगी। आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल के केस में क्या होता है, सोल राइट्स पावर एंड स्टेटस किसके पास होता है, लोकसभा के पास। मनी बिल इंट्रोड्यूस कहाँ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, और लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ ऑब्वियसली राज्यसभा में पास होगा, राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर सकती है अगर लोकसभा को अच्छे लगे सॉरी लोकसभा को अच्छे लगे तो वो उसको रख लेगी, वरना उसको इग्नोर करके भी बिल को पास कर दिया जाता है, इतने स्ट्रॉन्ग पावर्स होते हैं लोकसभा के पास व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल। ओके, क्लियर, ओके, पॉलिटी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, बट धीरे धीरे रिलेट करके पढ़ा ना तो इट इज नाउ माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है, आगे समझो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स मत करो, आपने जितना पढ़ा था अभी कीप इट टू योरसेल्फ, ठीक है, दोनों चीजों को मिक्स मत करो कि स्पीकर मनी बिल है या नहीं डिसाइड करता है वगैरह, उस सब को छोड़ दो, अभी जो बता रही हूँ उसी पे ध्यान रखो, स्पीकर क्या करता है नहीं करता वो स्पीकर वाले सेशन में हम डिस्कस आउट करेंगे। अब स्टेट लेजिस्लेचर पे आओ, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसमें बिल पास करने का सिस्टम क्या होता है, लोकसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास एलसी के पास बहुत कम पावर्स होते हैं, वही रिडल में हमने देखा कि उसने मना कर दिया तो मना हो गया, मैंने मना किया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसे, है ना, एक हार्ट ब्रोकन वाला क्लिप आर्ट भी लगाया हुआ था, तो दिस इज अबाउट एलसी, उसके पास बहुत कम पावर्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू लॉ मेकिंग। बिल इंट्रोड्यूस होता है
इन एलसी अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस हुआ है विच इज पास टू इट एंड इट गोज ऑन टू द असेंबली, अगर वो असेंबली तक क्या गया है, मतलब एलसी से लेके एलए तक गया है बिल, तो क्या कर सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसे ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर सकती है, उसे किसी मॉडिफिकेशन के साथ भी पास कर सकती है। अगर ये मॉडिफिकेशन काउंसिल को पसंद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलसी जो है उसके पास बहुत लेस पावर्स है और कोई फर्क नहीं पड़ता उनको पसंद है नहीं पसंद है, एलए ने डिसाइड किया तो इट विल पास। ठीक है, इन अबाउ केसेस बिल कम्स टू एंड, अगर एलए को लगा कि वो ठीक बिल नहीं है वो उसे कैंसिल कर देंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं होता व्हेन इट कम्स टू स्टेट लेजिस्लेचर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्रीवियस ईयर सीडीएस में पूछा गया है, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं होता व्हेन इट कम्स टू स्टेट लेजिस्लेचर, और ये पार्लियामेंट में होता है। ठीक है, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, एलसी को जो पसंद है जरूरी नहीं है एलए को भी पसंद हो, और एलए को नहीं पसंद तो वो पास नहीं होगा, इतनी चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आप आराम से बैठ के पीडीएफ को भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मनी बिल स्टेट में क्या होता है, अगेन लोअर हाउस से ही जनरेट होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली से ही जनरेट होता है। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा रिपीट करने के लिए आप बोल रहे हो, क्रक्स समझो, स्टोरी समझो, क्या होता है, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है इन पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग क्यों होती है, क्योंकि एक हाउस से बिल पास होता है और दूसरे हाउस उसका कोई आंसर नहीं दे रही 6 महीने तक, तो प्रेसिडेंट बोलते हैं जॉइंट सिटिंग बिठाओ और इस डेडलॉक को क्लियर करो, तो उस जॉइंट सिटिंग के अंदर वो डेडलॉक क्लियर हो जाता है। बट जब स्टेट लेजिस्लेचर में बात आती है तो जो एलए को नहीं पसंद वो कभी नहीं होगा, चाहे वो एलसी ने कितने भी मॉडिफिकेशंस के साथ भेजा हो, उन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर सजेशंस एलए के हैं, लोअर हाउस के हैं, और वो एलसी को नहीं पसंद तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी डिसएग्रीमेंट के साथ भी वो बिल पास हो जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। और स्टेट लेजिस्लेचर में यूनियन पार्लियामेंट की तरह जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, अब क्लियर हो गई चीजें, आई गेस अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना। ओके, क्रिस्टल क्लियर। अब देखो, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथ इन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, थोड़ा सा टिपिकल है, अच्छे से ध्यान देना। हमने लोकसभा में पढ़ा था 552 मेंबर्स, लेकिन दो मेंबर्स जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हैं वो अब निकल चुके हैं, है ना, यू बेटर रिमेंबर दिस। हमने पार्लियामेंट में पढ़ा था अमेंडमेंट 104 के अंतर्गत ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेशन जो प्रेसिडेंट कर रहे थे अब वो नहीं होता, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के दो लोग अब नहीं है लोकसभा में। राज्यसभा में स्ट्रेंथ कितनी थी, 250 मेंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली देखते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, यहाँ पे आप 60 कर दोगे, ठीक है, 60 to 500 मेंबर्स होने चाहिए, 60 to 500 मेंबर्स कहाँ होने चाहिए, लोअर हाउस में। और लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस में क्या स्ट्रेंथ होगी, नॉट मोर देन 1/3 ऑफ मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मगर जैसे अगर 100 लोग हैं लोअर हाउस में, लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर 100 मेंबर्स है, 100 की स्ट्रेंथ है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी होगी, 1/3 ऑफ लोअर हाउस, मतलब कितनी हो जाएगी, 33.33 नहीं करेंगे, इधर इट इज 33 और इट इज 34। बट यहाँ पे एक ऐसा भी क्लॉज है, इट शुड नॉट बी अंडर 40, मिनिमम 40 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इतनी चीज क्लियर है, क्लियर है ना, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सीडीएस का, जब हमारा टेस्ट होगा यही सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर सीडीएस में पूछे गए होंगे आई ब्रिंग इन फॉरवर्ड टू यू, और तब आपको समझ में आएगा कि यस दिस स्टफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने लोग होते हैं, 60 से लेके 500, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम 40 होने चाहिए, मैक्सिमम 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोअर हाउस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर, ओके,
अब इलेक्शन मेथड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में तो आपको पता है लोअर हाउस डायरेक्टली हम ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसे होता है? उसमें जो 1/3, यहाँ पे आप सिर्फ कीवर्ड को याद रखोगे, इतने बड़े बड़े सेंटेंस है, फॉरगेट इट, आप सिर्फ कीवर्ड्स को याद रखोगे। यहाँ पे मैं लिख के दे रही हूँ, नोट्स में वैसे ही मेंटेन करोगे आप। 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। मतलब 1/3 जो होते हैं वो लोकल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अलग हिसाब लिखना, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस को भूल जाओ, इतने याद नहीं रहते, फोकस ऑन द कीवर्ड्स। ओके, 1/3 यहाँ से आ गए। दूसरे 1/3 एमएलएज होंगे, राइट इट डाउन। दूसरे 1/3 कौन हो जाएंगे आपके? एमएलएज हो जाएंगे। फिर